हेलो दोस्तों, स्टॉक वाले न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस हम स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है उत्तम वैल्यू स्टील। स्टॉक में हाल ही कुछ दिनों से कंटिन्यू न्यूज़ आ रही है मार्केट में। थोड़ा वॉइस के लिए प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए कोई सॉरी। जैसे कि हम जान पा रहे हैं कि कंटिन्यू अभी इसमें न्यूज़ आ रही है, जैसे कि न्यूज़ आ रही है देखिए जो आपके सामने मैंने। वी विश यू इन्फॉर्म दैट कंपनी हैज़ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शेड्यूल एक इनके AGM मीटिंग थी गुरुवार को। कल एक मीटिंग थी जिसमें मुफिन ग्रीन फाइनेंस एक्सचेंज की बहुत बड़ी कंपनी, उसने बोर्ड की मीटिंग में फंड रेसिंग का ऐलान किया है उत्तम वैल्यू स्टील में। और इसमें सभी शेयर होल्डर कंपनी के मेंबरों ने दिलचस्पी दिखाई है। इक्विटी शेयर सबके बारे में, और जैसा भी अभी उत्तम वैल्यू स्टील का कोर्ट में केस चल रहा है, तो अभी हाल ही कुछ दिनों से कंटिन्यू न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही है। कंपनी AGM पे AGM रख रही है, न्यूज़ मार्केट में फैल रही है, कुछ ना कुछ शायद अच्छा होने वाला है, शायद हम सबको अपने स्टॉक वापस मिल सकते हैं। ये हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये न्यूज़ आई है। अभी कोर्ट में तो फिलहाल 30 अक्टूबर की हमें डेट मिली है, जो कि लगता है कि लास्ट तारीख होगी, लास्ट हियरिंग, जिसमें हमें कुछ ना कुछ गारंटी, कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा, जिसमें उत्तम वैल्यू स्टील एक न्यू नेम का है, इवोनी स्टील लिमिटेड जो मार्केट में न्यूज़ आ रही है उसके साथ हमें अपने स्टॉक शायद से मिल सकते हैं। मुझे तो लगा है मिलने चाहिए, जैसे कि अभी कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट भी लोग बोल रहे सेटलमेंट करना चाह रहे हैं कम उत्तम वैल्यू स्टील वाले, लेकिन अभी लोगों में जो फ्रॉड हुआ है उसके लिए लोग कोई सेटलमेंट नहीं कर रहे, इसलिए कोर्ट के रास्ते से हमें जो मिलना है मिलेगा। और अभी तो लगता है सबको कुछ ना कुछ मिलना ही है गारंटी, जैसे भी कोर्ट में लगता है 30 तारीख जो वकील ने बताया वो लास्ट डेट हो सकती है हियरिंग की, जिसमें गवर कोर्ट में एफिडेविट जो प्रूफ दिए है लोगों ने उससे लगता है अभी कोर्ट भी को भी पता चले इनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, ज़रूर हमको अच्छी खबर मिली। ये आप खबर भी देख सकते हो 30 तारीख को जो हमें लास्ट हेयरिंग मिली और लिखा गया है कि कुछ अच्छा न्यूज़ होने वाला है 30 अक्टूबर को, और हाई चांस है डेट इट विल बी ए फाइनल हेयरिंग। तो दोस्तों कुछ ना कुछ अच्छा होगा, भगवान पे भरोसा रखो। कोर्ट में जो प्रूफ दिए, अब कंपनी वाले भी फंस गए, अभी उनको शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, या तो पूरा स्टॉक देना पड़ेगा, जो एवोनिट स्टील जो बता रहे जो न्यू रीब्रांड किया है उसके हिसाब से जो भी स्टॉक मिलेंगे, तो मिलना तो है ही अब सबको। उत्तम गलवा स्टील है जो भी इसके पेरेंट कंपनी, उसका तो कुछ अलग ही चल रहा है, उसका भी सबको मिलना ही है, लेकिन उत्तम वैल्यू स्टील में बहुत मगजमारी वाला काम हो गया था। 2 साल हो गए डील लिस्ट होके, अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी मार्केट में कंटिन्यू जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से कुछ अच्छा होने वाला है। हम इस पर कंटिन्यूस वीडियो लाते रहेंगे, उत्तम वैल्यू स्टील और भी बहुत से स्टॉक है जिसके हम लेटेस्ट अपडेट, स्टॉक जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सको, तो आप हमारा न्यूज़ चैनल, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ आएगी हम तुरंत आपके लिए वीडियो लाएंगे। थैंक यू, वेलकम।